बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास। प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स की क्लास में आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है पार्टनरशिप, और लेक्चर नंबर 1 होगा हमारा। सबसे पहले पार्टनरशिप की डेफिनेशन। चैप्टर 4 पार्टनरशिप, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, पार्टनर्स मिलकर कारोबार को स्टार्ट करेंगे। ये सेकेंड टाइप ऑफ बिजनेस है जिसमें पार्टनर्स कंबाइन होकर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तमाम पार्टनर्स, और कारोबार को स्टार्ट करते हैं। टीम वर्क, ट्रस्ट, कोलैबोरेशन, एफिशिएंसी, कम्युनिकेशन, प्लान, ये तमाम एक्टिविटीज़ क्या कर रही हैं, जो एक्टिविटीज़ ये परफॉर्म कर रहे हैं आप, टीम वर्क जहाँ पर कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट जहाँ पर मिलकर कर रहे हैं, कंबाइंड जजमेंट जहाँ पर हो रही है, कंबाइंड मैनेजमेंट जहाँ पर परफॉर्म की जा रही है, वो कारोबार आपका पार्टनरशिप कहलाता है। सबसे पहले पार्टनरशिप की डेफिनेशन, जैसे कि पहले एक्सप्लेन किया, यहाँ पर क्या होता है, कोलैबोरेशन, परफॉर्मेंस, प्लान, टीम वर्क, सिनर्जी, देन उसके बाद जो है वो रिजल्ट, और फिर जो है वो प्रॉफिट अर्निंग की जा रही होती है। अच्छा, पार्टनरशिप फिर कहूँगी सेकंड टाइप ऑफ बिजनेस है जहाँ पर पार्टनर्स मिलकर काम कर रहे होते हैं, इट्स सेकंड टाइप ऑफ बिजनेस। इससे पहले हम सिंगल ऑनरशिप डिस्कस कर चुके थे, वो फर्स्ट टाइप ऑफ बिजनेस था जहाँ पर अकेला कार पर्सन जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है और तमाम एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, और जो है वो प्रॉफिट और गेन, प्रॉफिट को और जो है वो लॉस को बर्दाश्त करता है, तो वो हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ बिजनेस था, इसे हमने सोल प्रोप्राइटर कहा था। सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप की तरफ, कि पार्टनरशिप जो कारोबार है, सेकंड टाइप ऑफ बिजनेस है जहाँ पर पार्टनर्स मिलकर काम कर रहे हैं, इसे मजीद किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी आ गई डेफिनेशन, इट इज एन एसोसिएशन, ये एक एसोसिएशन है ऑफ टू और मोर पर्सन, दो या फिर उससे ज्यादा लोगों की, टू कैरी ऑन एज को ऑनर्स, जो कि क्या करते हैं, इस कारोबार को एज अ को ऑनर्स जो है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अ बिजनेस फॉर प्रॉफिट, ये कारोबार प्रॉफिट के लिए होता है। टू रन अ पार्टनरशिप, एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर इज एसेंशियल। कारोबार जो कि पार्टनरशिप आपने स्टार्ट किया है, इसको रन अप करने के लिए क्या करना पड़ता है, एग्रीमेंट को बुनियाद बनाना पड़ता है। ये कारोबार जरूरी है कि इसके लिए क्या करें आप, एग्रीमेंट बनाएं, एग्रीमेंट इसका एसेंशियल है। सिंपल में अगर कहूँ पार्टनरशिप क्या है, तो पार्टनरशिप कारोबार की वो किस्म है जहाँ पर 2 से लेकर 20 तक पार्टनर्स रिक्वायर्ड होते हैं, 2 से लेकर 20 तक पार्टनर्स जो है वो इस कारोबार को, कारोबार में इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं, तमाम मैनेजमेंट के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं पार्टनर्स मिलकर, और पार्टनर्स जो है वो प्रॉफिट को भी शेयर करते हैं और नुकसान को भी बर्दाश्त करते हैं, तो कारोबार की ये किस्म कहलाती है पार्टनरशिप। अगर फर्म की बात की जाए तो MCQs में आता है, अगर आप फर्म एज ए पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं, आपने फर्म को स्टार्ट किया, तो वहाँ पर कितने पार्टनर्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो कम से कम हमें 2 पार्टनर्स चाहिए होते हैं, और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हमें 20 पार्टनर्स रिक्वायर्ड होते हैं। और अगर हम बैंक की बात करते हैं कि हम बैंक स्टार्ट करने जा रहे हैं एज अ पार्टनर पार्टनरशिप, तो हमें कितने पार्टनर्स रिक्वायर्ड होंगे, कम से कम 2 पार्टनर्स चाहिए बैंक स्टार्ट करने के लिए, बैंक जो है वो एज अ पार्टनरशिप रन अप करने के लिए, और मिनिमम हमें 10 पार्टनर्स रिक्वायर्ड होंगे बैंक में। तो यहाँ से MCQs भी बनता है कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स की क्वांटिटी क्या है फर्म के लिए, 2 से लेकर 20 तक, और बैंक के लिए 2 से लेकर 10 तक। वो कारोबार जहाँ पर 2 से लेकर 20 तक लोग जो है वो पैसा इन्वेस्ट कर कर, कंबाइंड जजमेंट स्किल्स यूज कर कर, मैनेजमेंट परफॉर्म कर कर, प्रॉफिट और लॉस को शेयर कर रहे होते हैं, लॉस को बेयर कर रहे होते हैं, तो ये हमारा कारोबार कहलाता है पार्टनरशिप। मजीद बात कर लेते हैं पार्टनरशिप के हवाले से, इसेंशियल के हवाले से बात कर लेते हैं कि क्या इसेंशियल्स हैं पार्टनरशिप के। बेसिकली 4 इसेंशियल्स होते हैं पार्टनरशिप के। फर्स्ट पॉइंट है एग्रीमेंट। स्टार्टिंग में मैंने कहा कि कारोबार जिसकी बुनियाद एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, 2 से लेकर 20 तक जो पार्टनर्स इस कारोबार में इन्वॉल्व हैं उनके दरमियान में मुहायदा तय पाता है कि उन्होंने इस कारोबार को एज अ पार्टनर, पार्टनरशिप जो है वो रन अप करना है। 2 से लेकर 20 तक पार्टनर कितना पैसा लेकर आए हैं, किस तरह प्रॉफिट शेयरिंग होगी, किस तरह लॉस बेयरिंग होगी, किस तरह मैनेजमेंट के मैनेजमेंट के फंक्शंस जो हैं परफॉर्म किए जाएंगे, सब डिसाइडेड होता है एग्रीमेंट में या फिर कॉन्ट्रैक्ट में। अच्छा, एग्रीमेंट ओरल बनाएं या रिटर्न बनाएं, ये आप पर डिपेंड करता है जो कि स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्टनरशिप, एज अ पार्टनर जो है वो इस कारोबार को स्टार्ट करने जा रहे हैं, उन पर डिपेंड करता है कि वो एग्रीमेंट किस तरह बनाते हैं। वो चाहें तो ओरल बना सकते हैं, जबानी मुहायदा भी हो सकता है, अगर जो पार्टनर्स हैं वो जानने वाले हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, फैमिलीज हैं, तो फिर ओरल एग्रीमेंट के जरिए भी जो है वो ये कारोबार परफॉर्म किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई स्ट्रेंजर है जिसे आप नहीं जानते और एज अ पार्टनर आपके कारोबार में
शामिल है तो फिर आप रिटन एग्रीमेंट भी बना सकते हैं। तो ये पार्टनर्स पर डिपेंड करता है कि वो ओरल एग्रीमेंट की तरफ जाते हैं या फिर रिटन एग्रीमेंट के जरिए इस कारोबार को स्टार्ट करते हैं। सेकेंड जो इसेंशियल है, प्रॉफिट। ये कारोबार प्रॉफिट्स के लिए परफॉर्म किया जाता है क्योंकि कारोबार की किस्म है सेकंड टाइप ऑफ पार्टनरशिप, सेकंड टाइप ऑफ बिजनेस है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि कारोबार क्या है, बिजनेस क्या है, प्रॉफिट अर्निंग एक्टिविटी है जो कि आप प्रॉफिट के लिए परफॉर्म कर रहे होते हो। तो यहाँ पर भी इसेंशियल क्या हो गया कि हमने प्रॉफिट के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, हमने जो पार्टनरशिप स्टार्ट की है वो प्रॉफिट के लिए स्टार्ट की है, सेकेंड इसेंशियल। थर्ड देख लेते हैं, नंबर ऑफ पार्टनर्स। जो नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं वो कम से कम कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 20 होने चाहिए। लाजमी तौर पर ऐसा ही होना चाहिए, अगर दो से कम होंगे तो फिर वो पार्टनरशिप नहीं रहेगा बल्कि वो अकेला फिर पर्सन हो जाएगा और वो कहलाएगा हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ बिजनेस, यानी सिंगल ऑनरशिप सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसे हम एंटरप्रेन्योरशिप भी कहते हैं। तो यहाँ पर जरूरी है एटलीस्ट टू मेंबर्स का, टू पार्टनर्स का होना बहुत जरूरी है। को ऑनर्स होने चाहिए, तमाम के तमाम पार्टनर्स जो हैं वो को ऑनर हो। तो ये चार हमारे पास इसेंशियल्स हो गए जो कि पार्टनरशिप के लिए ज़रूरी हैं, इनके बगैर इस कारोबार की बुनियाद नहीं रखी जा सकती। इसके बाद हम देख लेते हैं आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा बनता है इस चैप्टर से कि डिफाइन पार्टनरशिप और इसेंशियल, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है जो कि भी हमने डिस्कस किया कि क्या है पार्टनरशिप और क्या इसके इसेंशियल हैं। सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, जिसे पार्टनरशिप डीड्स भी कहा जाता है, इसे पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी कहते हैं, इसे कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है, पार्टनरशिप एक्ट। अच्छा ये है क्या, मैंने स्टार्ट में कहा था कि कारोबार स्टार्ट होता है ये वाला पार्टनरशिप वाला एग्रीमेंट के जरिए, एग्रीमेंट बनता है तो फिर ये कारोबार स्टार्ट होता है, मुआहदा होता है पार्टनर्स के दरमियान में कि किस तरह कारोबार को परफॉर्म करेंगे, तो फिर इस कारोबार की बुनियाद रखी जाती है। अच्छा यहाँ पर यही डिफाइन किया हुआ है, एग्जाम में पूछते हैं आपसे कि पार्टनरशिप डीड्स क्या हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या हैं, इसे डिफाइन कीजिए, एग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई होती हैं, क्या क्या बातें लिखी हुई होती हैं, उसे डिफाइन कीजिए, उसी को डिस्कस करने जाते हैं। लेकिन जो MCQs यहाँ से बनता है पहले उसे देख लेते हैं कि पार्टनरशिप एक्ट यानी पार्टनरशिप जो वजूद में आती है वो एक्ट के तहत आती है, किसके तहत, 1932 के तहत। MCQs में आता है कि किस एक्ट के तहत पार्टनरशिप इस्टेब्लिश की गई, किस एक्ट के तहत पार्टनरशिप जो है वो वजूद में आई, तो 1932 एक्ट के तहत पार्टनरशिप जो है वो इस्टेब्लिश की जाती है। अब एक्सप्लेन करते हैं कि एग्रीमेंट क्या है। इट इज़ ए डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट है इन विच, जिसमें ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर रिकॉर्डेड, जिसमें लिखा हुआ होता है तमाम उसूल और जवाबित पार्टनरशिप के हवाले से। इट इज़ एग्रीमेंट इन रिटन और ओरल, म्यूचुअल कंसेंट टू रन अ बिजनेस एज अ को ऑनर फॉर प्रॉफिट। ये वो मुआहदा होता है जो कि रिटर्न भी कर सकते हैं और ओरल भी कर सकते हैं, बाहिमी रजामंदी से होता है कि हम कारोबार को चलाना चाहते हैं, रन अप करना चाहते हैं एज अ को ऑनर, और किस लिए, फॉर प्रॉफिट। तो यहाँ से बन गई पार्टनरशिप एग्रीमेंट या फिर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन के क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पर लिखे हुए होते हैं उसूल और जवाबित के पार्टनरशिप किस तरह परफॉर्म की जाएगी। इसमें क्या क्या लिखा हुआ होता है डीड्स में वो डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्टेंट्स ऑफ एग्रीमेंट, द कॉमन प्रोविजन ऑफ अ पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, एग्रीमेंट में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, डीड्स आर इज अंडर, डीड्स में लिखी हुई होती है, एग्रीमेंट में लिखी हुई होती है ये बातें। द नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज रिकॉर्डेड इन दिस डॉक्यूमेंट। किस नेचर का बिजनेस है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, होलसेलिंग, रिटेलिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अच्छा इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर जो है वो क्या आएगा, होलसेलिंग, रिटेलिंग और जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से बात हो रही है कि आप जो है वो बनी बनाई गुड्स को जो है वो बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं या फिर गुड्स को खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अच्छा फिर थर्ड पॉइंट हमारे पास है, सेकंड पॉइंट, इन दिस डॉक्यूमेंट नेम्स, एड्रेस एंड डिटेल्स ऑफ इंडिविजुअल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स आर रिकॉर्डेड। अच्छा एग्रीमेंट में ये भी लिखा हुआ होता है कि पार्टनर्स का नाम क्या है, पार्टनर्स का एड्रेस क्या है, कौन सा पार्टनर कितना पैसा लेकर आया है, तमाम बातें रिकॉर्ड होती हैं एग्रीमेंट में, सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या था, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है पार्टनरशिप का,
कारोबार किस नौत का है, दूसरा डिटेल लिखी हुई है पार्टनर्स के हवाले से, थर्ड पॉइंट द नेम ऑफ द बैंकर, बैंकर का नाम लिखा हुआ होता है एग्रीमेंट में, द नेम ऑफ द फर्म, कारोबार का नाम लिखा हुआ होता है एग्रीमेंट में, फर्म का नाम लिखा हुआ होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन टू पार्टनर, द लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ बिजनेस, कारोबार की लाइफ कितनी है, कितने अरसे के लिए पार्टनरशिप जो है वो इस्टेब्लिश की गई है, कितने अरसे के लिए कॉन्ट्रैक्ट या फिर एग्रीमेंट बनाया गया है, एक्सपायर डेट क्या है एग्रीमेंट की, वो भी यहाँ पर मेंशन होता है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, मजीद कुछ डीड्स हमारे पास हैं, लोन फ्रॉम पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, प्लेस ऑफ बिजनेस, कारोबार की जगह, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ईच पार्टनर, कितने पार्टनर ने कितना पैसा लगाया है, ये भी मौजूद होता है डिटेल एग्रीमेंट में, डिटर्मिनेशन ऑफ गुडविल, प्रोसीजर ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर का एडमिशन अगर होगा पार्टनर में, दाखिला अगर होगा पार्टनरशिप में, तो क्या प्रोसीजर होगा, क्या मेथड होगा, ये भी एग्रीमेंट में डिटेल में लिखा हुआ होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किस रेशियो से प्रॉफिट शेयरिंग होगी, डिटेल मौजूद होती है एग्रीमेंट में, ड्यूटीज लाइबिलिटीज एंड राइट्स ऑफ पार्टनर्स, क्या हुकूक है, क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या फराइज हैं पार्टनर्स की, ये भी डिटेल डिस्क्राइब हुई भी होती है एग्रीमेंट में, द प्रोविजन फॉर माइनर पार्टनर, माइनर पार्टनर पार्टनर की एक किस्म है जिसको भी हम डिफाइन करेंगे कि क्या होता है माइनर पार्टनर, इसके बारे में भी डिटेल एग्रीमेंट में मौजूद होती है। तो ये थे हमारे पास पार्टनरशिप डील्स के हवाले से कुछ पॉइंट्स, एक क्वेश्चन जो हमारा आता है एग्जाम में कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या है और इसमें क्या क्या डील्स डिस्क्राइब हुई भी होती हैं, तो वो हमने डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, अगले क्वेश्चन पर, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हम पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करते हैं तो इस फर्म को स्टार्ट करने से एज अ पार्टनर हमें क्या एडवांटेज होगा, क्या फायदा होगा और क्या नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। सेम सॉल सिंगल ऑनरशिप की तरह एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अगर आप पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इससे होने वाले नुकसानात और फायदों जो है वो एक्सप्लेन कीजिए। तो एडवांटेजेस की सेम लिस्ट बनाएंगे, डिसएडवांटेजेस की लिस्ट बनाएंगे और 5-5 पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये है अटेम्प्ट करने का मेथड क्वेश्चन को। इसके बाद चलते हैं एडवांटेजेस की तरफ कि कारोबार के एडवांटेजेस क्या क्या हैं इस कारोबार को, अगर हम एज अ पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं कोई भी बिजनेस को, कौन से बेनिफिट होंगे हमें पार्टनरशिप करने की वजह से। लार्जर कैपिटल पहला बेनिफिट, अगर हम स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप का बिजनेस तो हमें ज़्यादा कैपिटल हासिल होता है जी, बिल्कुल 2 से लेकर 20 तक पार्टनर्स मौजूद हैं, हर पार्टनर अपना हिस्सा अपना कैपिटल लेकर आता है और हमें ज़्यादा पैसा मिल जाता है, ज़्यादा कैपिटल मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू सिंगल ऑनरशिप, जहाँ पर सिर्फ एक ऑनर था, एक मालिक था और एक ही पैसा लेकर आ रहा था जिसका एक का ही कैपिटल था। तो यहाँ पर पहला बेनिफिट क्या हो गया, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा सरमाया, ज़्यादा पार्टनर, पैसा भी ज़्यादा होता है। सेकेंड, हाई क्रेडिट स्टैंडिंग, उधार की सहूलत होती है, हाई क्रेडिट स्टैंडिंग होती है यहाँ पर। सेम वही पॉइंट जो हमने सिंगल ऑनरशिप में डिस्कस किया था कि उधार की जो है वो सहूलत इसलिए होती है कि आपको उधार दे रहे होते हैं लोग क्योंकि सिक्योर होता है उधार, उधार हर हाल में वापस मिल जाएगा। अभी डिस्कस करेंगे इसको डिसएडवांटेजेस में मजीद। थर्ड पॉइंट, कंबाइंड जजमेंट एंड स्किल्स, ये भी एक एडवांटेज है पार्टनरशिप का क्योंकि पार्टनर्स मिलकर काम कर रहे हैं तो यहाँ पर कंबाइंड जजमेंट होती है, हर पार्टनर की अपनी स्किल्स होती हैं, उस लिहाज से अपनी स्किल्स को यूज करके अपने फंक्शन, अपनी मैनेजमेंट के फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा होता है। तो यहाँ पर हमें जो है वो कंबाइंड जजमेंट मिल जाती है, लोग मिलकर अपने अपने लिहाज से अपने अपने आइडियाज़ लाते हैं और नई नई क्रिएटिव चीज़ें हो रही होती हैं, अपनी स्किल्स को यूज़ कर न्यू आइडियाज़ देकर हम जो है वो कारोबार को आगे बढ़ा रहे होते हैं पार्टनरशिप में। रिटेंशन ऑफ वेरिएबल एम्प्लॉय, यहाँ पर इस कारोबार का एक एडवांटेज ये भी होता है कि हम अपने जो एम्प्लॉय हमारे लिए वैल्यूएबल है, कीमती है, अगर हम उसे चाहें तो को ऑनर बनाकर अपने कारोबार में रिटेन भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय है जाना चाहता है पार्टनरशिप को छोड़कर, आपके कारोबार को छोड़कर, लेकिन आपके लिए वो वैल्यूएबल है और आप चाहते हैं कि वो आपके कारोबार में रहे, तो आप उसे क्या करते हैं, को ऑनर बना लेते हैं। तो ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ ये एडवांटेज हमें मिलता है पार्टनरशिप में, इसके अलावा ये किसी और टाइप ऑफ बिजनेस में हमें नहीं मिलता। पर्सनल इंटरेस्ट, जाती दिलचस्पी होती है, तमाम पार्टनर्स दिलचस्पी के साथ काम परफॉर्म कर रहे होते हैं क्योंकि वो जानते हैं उनकी दिलचस्पी पर कारोबार की सक्सेस डिपेंड कर रही है। डिफाइंड लीगल स्टेटस, यहाँ पर डिफाइंड लीगल स्टेटस होता है, कानूनी हैसियत होती है इस कारोबार की, क्योंकि कारोबार क्या हुआ है, एग्रीमेंट की बुनियाद पर आपने कारोबार स्टार्ट किया है, एग्रीमेंट जो है वो एग्रीमेंट की वजह से आपकी इस कारोबार की लीगल हैसियत होती है।
टैक्स सेविंग होती है इस कारोबार में, टैक्स सेव हो रहा है, एक टाइम ही वन टाइम ही टैक्स पे करना पड़ता है, कम इनकम होती है कम टैक्स पे करना पड़ता है, कमती में क्या होता है ज़्यादा इनकम डबल टैक्स पे करना पड़ता है। कस्टमर कंसिडरेशन होती है इस वाले कारोबार में। तो क्लास ये थे हमारे पास कुछ एडवांटेजेस पार्टनरशिप के कौन कौन से एडवांटेजेस हमें हासिल होते हैं अगर हम पार्टनरशिप का कारोबार स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस डिमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। जहां हमें फायदे थे वहीं हमें कुछ नुकसान भी हैं इस कारोबार को करने के, वन बाय वन देख लेते हैं। पहला, लेक ऑफ कंटिन्यूटी। इस कारोबार को जारी रखना मुश्किल होता है, जारी रखना हमारे लिए तकरीबन नामुमकिन होता है, क्योंकि पार्टनर्स की लाइफ पर इस कारोबार की लाइफ डिपेंड कर रही होती है। कमी पाई जाती है जारी रखने की इस कारोबार को, यानी एक भी पार्टनर को कुछ भी होता है, 2 से 20 तक पार्टनर आपके पास हैं, कुछ भी हुआ पार्टनर्स को, न्यू पार्टनर का एडमिशन हुआ, कोई पार्टनर रिटायर हुआ, इंसॉल्वेंसी हो गई, कोई पार्टनर जो है वो मेंटली डिसेबल हो गया, या फिर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट पार्टनर शामिल हो गया, कोई भी वजूहत होती हैं तो डिफरेंट वजूहत की वजह से क्या होता है, पार्टनर की वजह से, पार्टनर की लाइफ की वजह से इस कारोबार की लाइफ भी अनसर्टेन होती है, कंटिन्यूटी नहीं पाई जाती। किसी भी वक्त इस कारोबार को हमें रोकना पड़ता है, स्टॉप करना पड़ता है डिफरेंट कंडीशंस की वजह से, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी जारी रखना इस कारोबार को मुमकिन नहीं है, तो ये इसका पहला डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा, लेक ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी। एक बार एग्रीमेंट में इसका नाम लिख दिया, वही ऑनर है, वही इस कारोबार का मालिक है, वो अपनी ऑनरशिप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता और अपनी जगह पर किसी को नहीं ला सकता, किसी और को। यहाँ पर कमी पाई जाती है, ट्रांसफरेबिलिटी यहाँ पर नहीं होती। अगर कोई पार्टनर अपनी ऑनरशिप किसी और को देना चाहता है, अपनी प्लेस पर किसी और को लाना चाहता है, तो तबादला करना यहाँ पर मुमकिन नहीं है। ये सेकंड पॉइंट हो गया, सेकंड डिसएडवांटेज हो गया। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं डिसएग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। जी बिल्कुल, पार्टनर्स जो कि स्टार्ट में एग्रीमेंट बनाते हैं, यहाँ पर उसी एग्रीमेंट को जो है फॉलोअप नहीं करते, तो यहाँ पर नुकसान होता है। किस चीज़ का? डिसएग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के दरमियान में, पार्टनर्स जो है वो खिलाफ वर्जी करते हैं मुहाइदे की। मुहाइदे में लिखे हुए उसूल और जवाबित, रूल्स रेगुलेशंस जो होती हैं उसकी पासदारी नहीं करते और डिसएग्रीमेंट हो जाता है पार्टनर्स के दरमियान में। ये हो गया इसका थर्ड एडवांटेज। फिर है डिवाइड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। यहाँ पर डिवाइड कंट्रोल सिस्टम पाया जाता है, काम डिवाइड होता है और इसकी वजह से मैनेजमेंट के काम परफॉर्म करने में मुश्किलात का सामना होता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मैंने एडवांटेजेस में पॉइंट डिस्कस किया था अभी के, हाई क्रेडिट स्टैंडिंग होती है, वहां पर उधार की सहूलत थी, वही यहां पर क्या हो गया, नुकसान का बाइस बन गया। आपको पार्टनर्स को हर हाल में कर्जा वापस करना है, बिजनेस की चीज़ों को बेचकर, घर की प्रॉपर्टी को बेचकर कर्जदार को कर्जा चुकाना है, तो यहाँ पर लायबिलिटी जिम्मेदारी महदूद नहीं है कारोबार तक, बल्कि कर्जदार आपके घर तक भी अपने कर्ज को वसूल करने के लिए पहुँच सकता है। इसको बोलते हैं गैर महदूद जिम्मेदारी। फिफ्थ हमारे पास डिसएडवांटेज पार्टनरशिप का। तो ये थे हमारे पास डिसएडवांटेजेस डिमेरिट्स के पार्टनरशिप का कारोबार अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमें कौन कौन से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद हम देख लेते हैं काइंड्स ऑफ पार्टनर्स। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, पहला क्वेश्चन पार्टनरशिप और एसेंशियल था, दूसरा पार्टनरशिप डीड्स था, थर्ड हमारे पास नुकसान और फायदे क्या हैं मिलकर काम करने के पार्टनरशिप के, और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ पार्टनर्स फोर्थ क्वेश्चन, कि पार्टनर्स की कितनी किस्में होती हैं। पार्टनर्स कौन होते हैं? वो लोग जो मिलकर काम कर रहे होते हैं, जिनका पैसा लगा हुआ है पार्टनरशिप में, जो कि को ऑनर हैं, वो पार्टनर्स कहला रहे हैं। वन बाय वन देखते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर और माइनर पार्टनर। वन बाय वन डिस्कस करते हैं, एग्जाम में भी आए तो पहले इसकी लिस्टिंग बनानी होती है, फिर तमाम को एक्सप्लेन करना होता है। एक्टिव पार्टनर नाम से ही जाहिर है, वो पार्टनर जो कि एक्टिव होता है, पैसा भी लगाता है, प्रॉफिट भी जो है वो शेयर करता है, नुकसान भी बर्दाश्त करता है, मैनेजमेंट के सारे काम परफॉर्म करता है, चाको चौबंद होता है, एक्टिव कहलाता है, इसीलिए इसका नाम है एक्टिव पार्टनर। पैसा भी लगाएगा और एक्टिव मैनेजमेंट की तमाम एक्टिविटीज भी परफॉर्म करेगा। सेकेंड अपोजिट, स्लीपिंग पार्टनर, इसे डोरमेंट पार्टनर भी कहा जाता है, इसे साइलेंट पार्टनर भी कहते हैं। एमसीक्यूज में आता है कि स्लीपिंग पार्टनर को और क्या कहते हैं, डोरमेंट पार्टनर, इसे और क्या कहते हैं, साइलेंट पार्टनर भी कहते हैं। ये अपोजिट होता है एक्टिव पार्टनर का, ये वो पार्टनर होता है जो कि क्या कर रहा है, पैसा लगा रहा है कारोबार में लेकिन मैनेजमेंट के काम परफॉर्म नहीं कर रहा,
प्रॉफिट शेयर करेगा, नुकसान बर्दाश्त करेगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है इसकी, लेकिन ये मैनेजमेंट के काम परफॉर्म नहीं करता, लेजी होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं साइलेंट पार्टनर, खामोश पार्टनर, या फिर स्लीपिंग पार्टनर, सोते रहने वाला पार्टनर जो कि पैसा लगाकर सो गया है और मैनेजमेंट ये काम परफॉर्म करने में जो है वो एक्टिव नहीं है। एक्टिव पार्टनर जो कि काम परफॉर्म कर रहा है, स्लीपिंग पार्टनर काम परफॉर्म ना करने वाला पार्टनर, मैनेजमेंट में एक्टिव नहीं होता। सीक्रेट पार्टनर नाम से ही जाहिर है, राज में रखा हुआ पार्टनर होता है, ये वो पार्टनर है जो कि पैसा लगाता है, प्रॉफिट भी शेयर करेगा, नुकसान भी बर्दाश्त करेगा, मैनेजमेंट के काम भी परफॉर्म करता है, लेकिन पब्लिक इसको नहीं जानती कि ये पार्टनर है, ये कारोबार का मालिक है, ये पब्लिक से छुपा हुआ होता है, इसलिए इसको हम सीक्रेट पार्टनर कहते हैं। नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होता है जो कि नाम का पार्टनर होता है, पब्लिक समझती है कि इसका नाम पार्टनरशिप में यूज हो रहा है इसलिए ये पार्टनर है, लेकिन ये पार्टनर नहीं होता, बल्कि इसका नाम यूज करने के बदले में इस पार्टनर को, इस पर्सन को कमीशन प्रोवाइड किया जा रहा होता है। तो वो पार्टनर जो कि बेसिकली पार्टनर है नहीं, जिसका पैसा नहीं लगा हुआ, जो प्रॉफिट शेयर नहीं करेगा, जो नुकसान बर्दाश्त नहीं करेगा, जो मैनेजमेंट का कोई काम परफॉर्म नहीं करता, लेकिन सिर्फ इसका नाम पार्टनरशिप में यूज हो रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं नॉमिनल पार्टनर, नाम का पार्टनर। माइनर पार्टनर, माइनर पार्टनर वो होता है जिसकी एज कम होती है, 18 साल से कम उम्र पर्सन जिसने इन्वेस्ट किया है पार्टनरशिप में, उसको हम कहते हैं माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर को क्योंकि इमेच्योर होता है, समझदारी नहीं होती, मैच्योरिटी नहीं होती, इसलिए इसके बिहाफ पर इसका लॉयर काम करता है जो कि अकाउंट्स की बुक को चेक करता है, प्रॉफिट वगैरह के हवाले से देखता है। माइनर पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, माइनर पार्टनर की एज जो है वो बुक्स में लिखी हुई है कि 18 से कम जो पार्टनर है वो माइनर पार्टनर कहलाता है। ठीक है क्लास, तो ये हमारे पास पॉइंट्स हो गए काइंड्स ऑफ पार्टनर्स के लिहाज से, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स भी कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स के लिहाज से। अब देख लेते हैं अपना अगला टॉपिक जो कि हमारे पास है राइट्स ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के हुकूक। जो पार्टनर्स मिलकर काम कर रहे हैं पार्टनरशिप में, उनके राइट्स होते हैं, उनके कुछ हुकूक होते हैं। इससे भी एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि डिफाइन कीजिए कि क्या राइट्स ऑफ पार्टनर्स हैं। वन बाय वन देख लेते हैं। पहला राइट, राइट टू शेयर प्रॉफिट। तमाम पार्टनर्स का हक है कि वो क्या करें, प्रॉफिट को शेयर करें, तमाम पार्टनर्स को आपस में प्रॉफिट को शेयर करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। तमाम पार्टनर को शमूलियत का हक है मैनेजमेंट में, तमाम पार्टनर शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं काम परफॉर्म करने में। थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट टू एक्सेस टू अकाउंटिंग एंड अदर रिकॉर्ड्स। तमाम पार्टनर का ये हक है कि वो अकाउंट्स की बुक तक रसाई हासिल कर सकते हैं, अकाउंट्स की बुक तक पहुंच सकते हैं और जो है वो चेक कर सकते हैं अकाउंट्स की बुक को। राइट टू रिटायर इमरजेंसी पावर, तमाम पार्टनर्स को राइट है कि रिटायर कर दें अपनी इमरजेंसी पावर। फ्री फ्रॉम एनी लायबिलिटी बिफोर ज्वाइनिंग, तमाम पार्टनर्स, तमाम न्यू पार्टनर्स जो आने वाले न्यू पार्टनर हैं वो पिछले पुराने कर्जे से आजाद होते हैं। नया पार्टनर जो आपकी पार्टनरशिप में आ रहा है, पुराना कर्जा जो आपने लिया हुआ है उसको नहीं अदा करेगा, वो आजाद है उस कर्जे से जो आपने उसकी ज्वाइनिंग से पहले लिया था। नो न्यू पार्टनर टू बी एडमिटेड, तमाम पार्टनर्स की मर्जी होगी तो पार्टनर एडमिट होगा, मतलब पार्टनर से पूछे बगैर न्यू पार्टनर को हम एडमिट नहीं कर सकते। पार्टनर से पूछकर जो है वो कम्युनिकेट कर एक दूसरे को बताकर परमिशन लेकर फिर हमें क्या करना होता है, न्यू पार्टनर को एडमिट करना होता है। राइट टू शेयर प्रॉफिट आफ्टर सेपरेशन, सेपरेट होने के बाद, इस कारोबार को बंद करने के बाद अगर कुछ प्रॉफिट होता है, एसेट्स को सेल आउट कर प्रॉफिट हुआ, पैसे आए, तो वो पैसों का हक भी क्या होता है कि उसको भी शेयर करें पार्टनर्स के साथ। सेपरेशन के बाद होने वाला प्रॉफिट भी पार्टनर्स के साथ शेयर करने का हक है, ये हक है पार्टनर का कि आप सेपरेशन के बाद भी क्या करें, उसको प्रॉफिट दें अगर कुछ प्रॉफिट हुआ है तो। तो ये थे हमारे पास राइट्स ऑफ पार्टनर्स, जहां राइट्स हैं वहीं कुछ ड्यूटीज भी हैं, वहीं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं और लायबिलिटीज भी हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लाइबिलिटीज, वो जिम्मेदारियाँ, वो फराइज जो कि पार्टनर्स को परफॉर्म करनी चाहिए। इससे भी क्वेश्चन बनता है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या ड्यूटीज हैं पार्टनर्स की। फर्स्ट पॉइंट, टू एक्ट ज्यूरिसडिक्शन, तमाम पार्टनर्स को कानून के मुताबिक, कानून के जो है वो बाउंड्रीज में रहते हुए एक्ट परफॉर्म करना चाहिए, अमल करना चाहिए। कोई भी अमल जो पार्टनर परफॉर्म कर रहा है, कोई भी एक्शन जो पार्टनर परफॉर्म कर रहा है, वो कानून के दायरे में रहते हुए
करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, नॉट टू ट्रांसफर इज मेंबरशिप। तमाम पार्टनर्स जो कि जानते हैं कि एग्रीमेंट में उनका नाम लिखा हुआ है, अपने बिहाफ पर वो किसी और को शामिल नहीं कर सकते, तो ये फर्ज है, ये जिम्मेदारी है, नॉट टू ट्रांसफर, ट्रांसफर ना करें अपनी मेंबरशिप, अपनी जगह पर किसी और को शामिल ना करें। टू एक्ट ऑनेस्टली, तमाम पार्टनर्स की ये जिम्मेदारी है, ये फर्ज है कि क्या करें, ऑनेस्टली काम परफॉर्म करें, ईमानदारी से काम परफॉर्म करें। टू फर्निश ट्रू अकाउंट्स बुक्स, तमाम पार्टनर्स को ये फर्ज है, उनका ये जिम्मेदारी है उनकी कि उन्हें अकाउंट्स की जो बुक फर्निश करनी है, बनानी है, मेंटेन करनी है, वो सही और दुरुस्त होना चाहिए। इतना प्रॉफिट हुआ उतना ही बताना है, कम नहीं बताना है। इतना नुकसान हुआ उतना ही जो है वो लिखना है, ज़्यादा नहीं बताना। टू डिस्क्लोज ऑल इन्फॉर्मेशन, तमाम पार्टनर्स को आपस में जो भी मालूमात रखते हैं शेयर करना चाहिए, डिस्क्लोज करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए। यूज फर्म एसेट्स, फर्म के एसेट्स को पार्टनर्स को ये जिम्मेदारी है कि वो फर्म के लिए ही इस्तेमाल करें। फर्म के एसेट्स प्रोवाइड किए गए हैं इसलिए कि वो फर्म के पर्पस के लिए, फर्म की जो प्रोसीजर परफॉर्म किया जा रहा है उसके लिए उन एसेट्स को, उन असासों को हम यूज करें। टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉसेस, तमाम पार्टनर्स की जिम्मेदारी है कि जिस तरह वो प्रॉफिट शेयरिंग के वक्त आगे आगे थे, सेम ऐसे ही लॉस के वक्त भी क्या करें, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल माने, किसी और पर जो है वो नुकसान को ना जो है वो कहें कि आपकी वजह से नुकसान हुआ है, बल्कि तमाम जो है वो जिम्मेदारी से नुकसान को बर्दाश्त करें। तो ये थी कुछ ड्यूटीज, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे पास। इसके बाद हम देख लेते हैं कंडीशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या क्या कंडीशन है जब पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, पहले ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि एग्रीमेंट में चेंजेस की गई, जब भी मॉडिफिकेशन होती है, चेंजेस होती हैं एग्रीमेंट में, तो पार्टनरशिप डिस्सोल्यूट हो जाती है। पुरानी पार्टनरशिप, पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, अब अगर हम चाहें तो न्यू एग्रीमेंट बनाकर न्यू पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं। कारोबार खत्म नहीं हुआ बल्कि पार्टनरशिप जो पहले पुरानी थी वो खत्म हो गई एग्रीमेंट में चेंजेस की वजह से, एग्रीमेंट में मॉडिफिकेशन की वजह से। नया एग्रीमेंट बनाकर उस कारोबार को आप रन अप कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। अब चलते हैं सवाल की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन आता है एग्जाम में ये कि कंडीशन क्या क्या है जब पार्टनरशिप जो है वो खत्म हो जाती है, क्या क्या मॉडिफिकेशन होती है, क्या क्या चेंजेस होती हैं एग्रीमेंट में जो कि बाइस बनती है डिस्सोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का। फर्स्ट कंडीशन, किसी भी पार्टनर के एडमिशन से, किसी पार्टनर के एडमिट होने से, दाखिले से पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। कैसे? एग्रीमेंट बना हुआ था, वहां पर 10 पार्टनर्स का नाम लिखा हुआ है, अब कोई नया पार्टनर आ रहा है तो उसका नाम आप एग्रीमेंट में लिखेंगे, एग्रीमेंट में हुई चेंजेस, तो आपका पार्टनर, आपकी पार्टनरशिप पुरानी वाली खत्म हो गई, अब न्यू एग्रीमेंट बना और न्यू पार्टनरशिप स्टार्ट की जाएगी। सेम ऐसे ही रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर रिटायर हुआ तो एग्रीमेंट से उसका नाम कट किया जाएगा और उसे निकाला जा रहा है, तो अब एग्रीमेंट में होंगी चेंजेस, नया एग्रीमेंट बनेगा और पुरानी पार्टनरशिप आपकी खत्म हो जाएगी। इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, पार्टनर जो है वो बैंक्रप्ट हो गया, पैसे नहीं है पार्टनर्स के पास, पार्टनर के पास, तो अब इस पार्टनर को हम निकाल देते हैं पार्टनरशिप से, चेंजेस करनी पड़ती हैं हमें एग्रीमेंट में और खत्म हो जाती है हमारी पार्टनरशिप। सेंटी ऑफ पार्टनर, यहाँ मतलब यह है कि पार्टनर डिसेबल हो गया, मैड हो गया, मतलब मेंटली डिसेबल हो गया, तो उस लिहाज से भी उस पार्टनर को हमें फिर जो है वो निकालना पड़ता है और एग्रीमेंट में चेंजेस करनी पड़ती हैं, और इस डिसेबल पार्टनर की वजह से, इस मेंटल पार्टनर की वजह से भी क्या होता है, हमें पार्टनरशिप डिसोल्यूट करनी पड़ती है। अ कॉन्विक्ट पार्टनर, कोई मुजरिम, कोई जुर्म सरजर्द हो गया है पार्टनर से, कोई मुजरिम पार्टनर को हमने अपनी पार्टनरशिप में शामिल कर लिया है, तो अब उस मुजरिम पार्टनर की वजह से हमें डिस्सोल्यूट करनी पड़ती है अपनी पार्टनरशिप चेंजेस करके एग्रीमेंट में। एक्सपायर ऑफ पीरियड, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए हमने एग्रीमेंट बनाया था, अब वो एग्रीमेंट की डेट जो है वो पहुंच गई है, उस डेट तक जो है वो एक्सपायर हो गया है हमारा एग्रीमेंट, तो भी हमारी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, अब न्यू एग्रीमेंट बनेगा और न्यू पार्टनरशिप स्टार्ट होगी। डेथ ऑफ पार्टनर, पार्टनर के इंतकाल से भी खत्म हो जाती है पार्टनरशिप। कंक्लूजन ऑफ वेंचर, वेंचर बोलते हैं मकसद, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को आपने हासिल करने के लिए पार्टनरशिप इस्टेब्लिश की थी, अब कंक्लूजन हो गया, हासिल हो गया वो मकसद, वो पर्पस, वो प्रोजेक्ट, तो अब खत्म हो जाती है आपकी पार्टनरशिप। तो क्लास ये थे कुछ पॉइंट्स हमारे पास, ये कब कब डिसोल्यूशन हो जाती है पार्टनरशिप की, मॉडिफिकेशन करने से एग्रीमेंट में, चेंजेस करने से एग्रीमेंट में, पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है और नया एग्रीमेंट बनाकर हम पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं, और ये थी कंडीशन हमारे पास। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म।
पूरी पार्टनरशिप फर्म कब कब ख़त्म हो जाती है, इसके बाद हम कारोबार को रन अप नहीं कर सकते बल्कि हमारा कारोबार ही बंद हो जाता है, तो ये कहलाती है डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। कारोबार को बंद करना पड़ गया, एग्रीमेंट में चेंजेस नहीं हुई बल्कि पूरा कारोबार ही हमें बंद करना पड़ा, अब हम चाहकर भी कारोबार को रनअप नहीं कर सकते। पहला पॉइंट, इलीगलिटी ऑफ बिजनेस, कोई भी इलीगल बिजनेस की वजह से हमें कारोबार को बंद करना पड़ता है। इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स, तमाम पार्टनर्स जो है वो इंसॉल्वेंट हो गए हैं इसलिए हमें फर्म को बंद करना पड़ता है। म्यूचुअल एग्रीमेंट, एग्रीमेंट की वजह से, बाहिमी रजामंदी की वजह से तमाम पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फर्म को। और नोटिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर एग्रीमेंट की बात हो रही है कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए, स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए एग्रीमेंट बना था, अब वो डेट पहुँच गई है तो हमें नोटिस जो है वो मिलता है अपनी फर्म को डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो ये थी हमारे पास कंडीशन कि कब कब हमारी जो फर्म है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और हमारा कारोबार वाइंड अप हो जाता है, बंद हो जाता है। इसके बाद टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, तीन तरह की पार्टनरशिप होती है हमारे पास, लिमिटेड पार्टनरशिप, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप और अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप। दो तो बहुत ही आसान है, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप होती है जो कि हम रजिस्ट्रार के पास जाकर खुद को रजिस्टर्ड करवाकर एस्टैब्लिश करते हैं, तो वो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप कहलाती है। और अनरजिस्टर्ड क्या है, जो हम रजिस्ट्रार के पास जाकर खुद को रजिस्टर्ड करवाकर एस्टैब्लिश नहीं करते, विदाउट रजिस्ट्रेशन अगर हम कोई कारोबार पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं तो वो कहलाती है हमारी अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया हमारे पास कि रजिस्ट्रार के पास जाके हमने रजिस्टर्ड करवा के स्टार्ट किया रजिस्टर्ड पार्टनरशिप, और विदाउट रजिस्ट्रेशन हमने स्टार्ट किया पार्टनरशिप तो अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप। अब बात कर लेते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप की, कि लिमिटेड पार्टनरशिप क्या होती है। लिमिटेड पार्टनरशिप में बेसिकली दो तरह के पार्टनर्स होते हैं, एक है जनरल पार्टनर और एक है लिमिटेड पार्टनर। जनरल पार्टनर वो पार्टनर होता है जिसकी लायबिलिटी जनरल होती है यानी अनलिमिटेड होती है, और उसे कर्जा वापस करने के लिए अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचना पड़ेगा। लिमिटेड पार्टनर वो पार्टनर होता है जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, एग्रीमेंट में मेंशन होता है ये कारोबार स्टार्ट करते वक्त पार्टनरशिप का, अगर वो लिमिटेड पार्टनरशिप है तो, कि ये पार्टनर लिमिटेड है और इसकी लायबिलिटी भी लिमिटेड है, यानी उस पार्टनर को कर्जा वापस करने के लिए अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचना नहीं पड़ता। तो बस यहाँ पर ये डिफरेंस होता है कि लिमिटेड पार्टनरशिप में दो तरह के पार्टनर बन जाते हैं, जनरल पार्टनर जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है और उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को कर्जे की वापसी के लिए इस्तेमाल करना है, और लिमिटेड पार्टनर वो पार्टनर जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है और उसे अपने कर्जे को वापस करने के लिए अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल आउट नहीं करना। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के बाद अब हम मूव करते हैं सुटेबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप लास्ट टॉपिक पर अपने, कौन कौन से कारोबार के लिए, कौन कौन से कारोबार मुनासिब होते हैं जो हम पार्टनरशिप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस में भी यूजफुल फॉर ऑल द फोर टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, हम चाहें तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, होलसेलिंग एक्टिविटीज, रिटेलिंग या फिर सर्विसेज की एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं एज अ पार्टनर और एज अ पार्टनरशिप। तो क्लास यहाँ पर हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है। आज की क्लास के हवाले से कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।